हाय ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि जमदा और चिनार खान की शादी तो हो गई मगर अब असल ड्रामा शुरू होगा, क्योंकि जो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फ़ैसला लेने का हुनर जानते हैं, यकीन मानो वही अपने अरादों में कामयाब होना जानते हैं। क्योंकि अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जमदा ने चिनार खान से शादी तो कर ली मगर अब वो अपने ख़ानदान का बदला लेगी। क्योंकि जिस तरह इंडियन ड्रामा नागिन में पहले तो दुश्मन नागिन के ख़ानदान को मार देता है, फिर नागिन बदला लेने के लिए अपने दुश्मन के बेटे के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है और यूँ वहाँ जाकर वो अपने जहर से सबका कत्ल कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही इस ड्रामे में जमदा पहले तो अपने दुश्मन के बेटे यानी चिनार खान के साथ शादी कर लेती है मगर अब वो बदला तो लेगी मगर अब वो अपने दुश्मन को जहर से नहीं बल्कि गोलियों से मारती नजर आएगी। और हाल ही में जो एपिसोड दिखाई गई थी उनसे इसके बदले का आगाज भी हो गया है, क्योंकि इन एपिसोड में जमदा ने चिनार खान के बड़े बेटे को चिनार खान के ही करीबी दोस्त के हाथों से कत्ल करवा दिया है। मगर बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि कहीं लास्ट वाली एपिसोड्स में चिनार खान और जमदा को एक दूसरे से मोहब्बत ही ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नागिन में तो ऐसा हुआ था क्योंकि नागिन के घर वालों को जिससे उसे मोहब्बत थी उसके घर वालों ने मारा था, इसलिए वो जिस मतलब जो हीरो होता है उसके घर वालों को नागिन मार देती है। लेकिन इस ड्रामे में आपको ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ड्रामे में चिनार खान ने खुद जमदा के घर वालों को मारा है, इसलिए लास्ट वाले एपिसोड में जमदा खुद अपने हाथों से चिनार खान का कत्ल करती नजर आएगी। हाई ड्रामे में चिनार खान का किरदार निभाने वाले एक्टर का असल नाम फैसल कुरैशी, जबकि जमदा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का असल नाम दूरे फिशा है। और आपको खाई ड्रामे की कहानी ज्यादा पसंद आई है या इस ड्रामे की लीड कास्ट यानी कि जमदा और चिनार खान की जोड़ी? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। थैंक्स।